हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक यूनिक चीज़ लेके आया हूँ, जिसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो भी ऑटोमेशन के जरिए। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ढूंढ रहे हो कि ऑटोमेशन से लग जाए। एंड जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ बहुत यूनिक है, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली, पर ये वीडियो बनने वाली है काफ़ी लंबी। पहले मेरे को आपको समझाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद मेरे को आपको ये बताना पड़ेगा ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कि जो जिरोधा है, एंड मैं अभी जिरोधा पे ही, ये जो हमारा बॉट है अभी जिरोधा पे ही चल रहा है। तो देन ये जो जिरोधा है, ये आपको ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर ही SL देती है ऑफिशियल वे से। आपको रेगुलर ऑर्डर के अंदर आपको SL नहीं मिलता, सॉरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं मिलता, एंड कवर ऑर्डर के अंदर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं मिलता। आपको ओनली फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिलता है, क्या कहते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर। तो ये तो हमें पता चल गया, बट मेरा दिल कर रहा है मैं रेगुलर ऑर्डर लगा के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊं, तो नहीं लगा सकता। या मेरा दिल कर रहा है कि मैं कवर ऑर्डर लगा के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊं, नहीं लगा सकता। मुझे लगाना पड़ेगा तो ब्रैकेट ऑर्डर में ही लगाना पड़ेगा। एंड ब्रैकेट ऑर्डर की क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता दूं, ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको टारगेट भी लगाना पड़ेगा एंड स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। देन ऑप्शनल है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं रेगुलर ऑर्डर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊं या कवर ऑर्डर में लगाऊं, तो कैसे लगाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, जो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी इंक्रीज कर देगा अगर आप इसे सही वे में करना सीख रहे। तो सबसे पहले तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझा दूं दोनों साइड से। ये एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर 100 डाल दिया एंड यहाँ पर हमने 99 डाल दिया। तो ये हमारा जो SL है, मतलब मार्केट रेट का प्राइस है 100 रुपये और हमारा SL है 99, मतलब 1 रुपये का गैप लेके चल रहा है हमारा SL, इट्स मीन। एंड हमने जब इसे रन करा तो आप देखोगे रेड लाइन SL वाली लाइन है, ब्लू लाइन प्राइस वाली लाइन है। तो जब प्राइस वाली लाइन डाउन होती थी तो हमारा जो SL बढ़ चुका होता था वो डाउन नहीं होता, तो फिक्स रहता था। ऐसे ऐसे करके मार्केट में एक रैली पकड़ी बाय साइड से, लॉन्ग साइड से। एंड जब वो रैली खत्म हुई, जब वो 1 रुपये डाउन गया, जैसे यहाँ नीली लाइन 1 रुपये डाउन जाने लगी, देन जाके हमारा स्टॉप लॉस, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ। इट्स मीन कि अगर हमने नीचे 100 रुपये पे ट्रेड पकड़ी थी वो 112 पे कटी, 12 पॉइंट का हमारे को ऑटोमेटिक ट्रेल मिल गया। हमारा मतलब जो प्रॉफिट था वो हमने ले लिया। और आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। मैं एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बेसिक नॉलेज है। जब भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो गूगल पे टाइप करिए, यूट्यूब पे टाइप करिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हाउ टू वर्क, देन आपको काफी सारी वीडियो मिल जाएंगी, आपको पता चलेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। अभी हमने लॉन्ग साइड से देखा, अब हम शॉर्ट साइड पे आ जाते हैं। एंड प्राइस हम रख लेते हैं 100 रुपये एंड गैप रख लेते हैं हम 101 का, मतलब यहां पर 0.1 डाल देते हैं। तो अब क्या हो गया, 1 रुपये का गैप है एंड दोबारा सबने चला दिया। तो आप देखिए रेड लाइन हमारी SL लाइन है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की लाइन है, एंड जो हमारी ब्लू लाइन है वो प्राइस की लाइन है। तो यहां देखिए जब जब प्राइस ऊपर की साइड जा रहा था, हमने शॉर्ट पोजीशन करी थी, सेल करा था, तो हमारा स्टॉप लॉस है ना ऊपर नहीं जा रहा था, वो वहां का वहां फिक्स था। ऐसे करके जब 1 रुपये का गैप मिला, उसे 1 रुपये का गैप यहां पर मिला, देन हमारा स्टॉप लॉस टिगर हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिगर हो गया। एंड जो हमने 100 रुपये पे ट्रेड पकड़ी थी वो जाके यहां पर कटती है करीबन 70 से 80 रुपए के बीच में कटती, काफी लंबा प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये चीज रैली पे काम आती है। अगर आपको रैली मिल गई, जैसे आपने मैनुअल कोई ट्रेड पकड़ी या किसी इंडिकेटर के साथ कोई ट्रेड पकड़ी या आपने पोर्ट से ट्रेड पकड़ी, उसके बाद आपको SL ऑन कर लेते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन कर देते हो, देन आपको रैली मिल गई, तो आप बहुत अच्छा पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो, पूरा मैक्स प्रॉफिट ले सकते हो। तो अब ये काम कैसे करता है मैं थोड़ा सा आपको अब लाइव थोड़ा सा दिखा देता हूं। डेमो तो मैं हो सकता है कि अगली वीडियो में डालू, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है मार्केट का एंड मेरे को ऐसा कोई चार्ट भी नहीं मिल रहा, तो इसका पार्ट टू बना दूंगा, उसके अंदर मैं इस अगली वीडियो में डाल दूंगा लाइव SL, एंड उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। एंड अब SL लगाते कैसे मैं आपको वो समझा दूं। तो आपको पता चल गया दो साइड से SL लगते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगते हैं, एक लॉन्ग साइड से लगता है, एक शॉर्ट साइड से लगता है।
एंड जो हमने एसएल बनाया ये कैसे काम करता है थोड़ा सा मैं बता दूं, ये ओपन प्राइस को, हर कैंडल के ओपन प्राइस को कैलकुलेट करता है। एग्जांपल के लिए मार्केट यूं बढ़ रही है और मैंने ₹1 का एसएल ले रखा है, तो ₹1 जब कैंडल पूरी गिरेगी नहीं, जब तक हमारा एसएल हिट नहीं होगा, देन बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, जब ₹1 पर कैंडल गिर जाएगा देन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बैक नहीं जाएगा। तो ये वर्क कैसे करेगा, एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूं आपको। हम सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर आपका यूजर नेम शो होता है, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो आपका ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम शो होगा। इस यूजर नेम को आप मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए या व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, देन मैं आपको इस इंडिकेटर के एक्सेस दे दूंगा, जिस इंडिकेटर को मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कह रहा हूं। एंड जब आप इसको किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, कवर ऑर्डर में भी अप्लाई कर सकते हो, ब्रैकेट में भी अप्लाई कर सकते हो, देन रेगुलर में भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी, वो आपकी मर्जी है, बस आपको रैली मिलनी चाहिए। तो जब मैं जैसे एक्सेस दूंगा आपको क्या करना है, इंडिकेटर पैनल पे जाना है, ये रहा आपका इंडिकेटर पैनल, हमने इस पर क्लिक करा एंड यहां जाके आपको इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट पे जाना है। यहां पर आपको बहुत सारे इंडिकेटर दिख रहे हैं पर आपके पास बहुत कम होंगे, ये सारे मेरे बनाए हुए इंडिकेटर है इसलिए मेरे को शो हो रहे हैं। एंड इस इंडिकेटर को आपको ऐड करना है ट्रेलिंग एसएल बॉस साइड, ये है एसएल साइड। जैसे आप ऑन करोगे तो आपको दो लाइन दिखेगी, मैं आपको बता दूं जो ऑरेंज वाली लाइन है वो शॉर्ट साइड लाइन है और यहां पर आपको उसका प्राइस भी शो हो रहा है, एंड जो पर्पल वाली लाइन है ये शॉर्ट साइड लाइन है और ऑरेंज वाली लॉन्ग साइड लाइन है। तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे, जैसे कि हमें पता है कि मार्केट अब बढ़ चुकी है, एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, मार्केट अब बढ़ चुकी है एंड देन नीचे आने के चांस ज्यादा हैं, ठीक है जी। तो हम अभी शॉर्ट साइड का देख लेते हैं, दोनों ही देख लेते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, पहले हम लॉन्ग साइड का ऑन करते हैं, जब आपके सामने डिफॉल्ट आ जाए, अगर आप लॉन्ग साइड का ऑन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिकेटर पैनल सेट, जब आप इंडिकेटर को ऐड कर लोगे आपको सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है एंड स्टाइल पे जाना है एंड लॉन्ग वाला नीचे वाला है शॉर्ट वाला ऊपर वाला है, तो शॉर्ट वाला हाइट कर लेते हैं, लॉन्ग वाले को रख लेते हैं। फिर इनपुट पे जाना है और हम इनपुट डाल लेते हैं 30 पैसे, 0.3 मार्केट रेट से जो भी कैंडल है उससे 30 पैसे हमारा एसएल ऊपर लगे। तो आप देखोगे हमारा जो एसएल है अभी ₹40.55 पे आ रहा है, और सपोज मानो मैंने यहां पर ट्रेड ले ली, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ली नहीं है मैंने, एक बार बता रहा हूं मैंने इस कैंडल पर ट्रेड ले ली, अगर ये प्राइस बढ़ता रहा एवरी कैंडल, अभी एक मिनट के टाइम फ्रेम में हमने एसएल को लगा रखा है, अगर आप देखोगे तो टाइम फ्रेम ऊपर दिख रहा होगा आपको, एक मिनट, अगर ये प्राइस बढ़ता रहा एग्जाम्पल के लिए, मेरे को तो नहीं पता ये बढ़ने वाला है, पर अगर ये बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, एक दिखा देता हूं मैं, तो हमारा एसएल भी बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, देन प्राइस रिवर्स होगा तो हमारा एसएल जहां तक बढ़ चुका है वहां फिक्स हो जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी जीरोधा पे, ठीक है जी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलर्ट डाल के कोड डालना पड़ेगा जब हमारी ट्रेड क्लोज होगी, वो मैं आपको बाद में समझाता हूं। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ₹40.55 पे हमारा एसएल लगा है, 30 पैसे का हमने गैप ले रखा है इसलिए हमारा ₹40.55 लगा है, और ये कैंडल फिर एक ओपन हुई, हमारा एसएल पीछे नहीं हो रहा कि वो वहीं का वहीं है और आगे भी नहीं हो रहा क्योंकि कैंडल ऊपर की साइड नहीं जा रही, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। जो भी इसका वेस्ट पार्ट है वीडियो का वो मैं डिलीट मार दूंगा या फास्ट कर दूंगा, थोड़ा सा वेट करते हैं ये कैंडल ऊपर बढ़े या नीचे बढ़े, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं एसएल इंक्रीज हो रहा है, तो वो जब भी दिखेगा जब कैंडल ऊपर की साइड बढ़ेगी, अगर नीचे की साइड बढ़ी तो टिगर हो जाएगा और टिगर हो गया तो फिर फायदा ही नहीं है। तो मैं आपके वही सोच रहा हूँ कि आपको एक थोड़ा सा डेमो दिखा दूं इसी वीडियो के अंदर, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा पता चल जाएगा, मतलब एसएल से इन शॉर्ट मैं बोलूं तो आप ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हो अगर आप रैली के साथ चलते हो, आपको कोई रैली मिल गई। तो अभी हमने लॉन्ग साइड का एसएल ऑन कर रखा है, 30 पैसे ऑन क्या कर रखा है, 30 पैसे का गैप दे रखा है, ये आप देखोगे जो भी आप गैप देना चाहते हो अपने हिसाब से, अपने शेयर के हिसाब से वो गैप यहां से दोगे, यहां लिखा भी लॉन्ग साइड प्राइस पॉइंट, मैंने 30 पैसे का गैप दे रखा है। एंड अब ये देखिए हमारा जो ₹40.55 थे वो 10 पॉइंट बढ़ गया है, ₹40.65 हो गया। वो क्यों हो गया आपको बताऊं, क्योंकि जो कैंडल ये ओपन हुई है इसका प्राइस आप अगर देखोगे तो, जैसे मैं इस कैंडल पे कजर ले जा रहा हूं तो यहां से ओपन प्राइस शो हो रहा है, तो इसका ओपन प्राइस आप देखोगे ₹40.95 आया। अब 95 में 30 पैसे हम माइनस करेंगे कितना आएगा, ₹40.65, तो वही 65 पे हमारी बिड लग गई है। तो ये अभी आप देखोगे कि हमारी 65 पे बिड है एंड ये बैक साइड नहीं हो रहा, वहीं का वहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हमारा एसएल भी बढ़ता रहेगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। और
जो भी मैंने बोला कि इसका वेस्ट पार्ट होगा वीडियो का, या मैं फास्ट कर दूंगा या फिर मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है मैं लाइव आपको डेमो दिखा रहा हूँ, एंड ये वर्किंग जब भी करेगा जब मैं आपको इसके मतलब पूरी वीडियो को दिखाऊंगा, जब भी आपको समझ आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगली कैंडल भी ओपन हो गई, पर ये डाउन साइड की साइड आ रही है, आप देख सकते हो। एंड हमारा स्टॉप लॉस जो है उसका प्राइस वही का वही है। आप देखोगे ऑरेंज कलर में आपको प्राइस दिख रहा है 40 रुपए 65 पैसे, तो 10 पैसे का प्रॉफिट इनने बुक कर लिया है। एंड इसी को रैली को ये ज्यादा सा कर देता, मतलब ये 2-3 रुपए बढ़ जाता, रैली चल जाती तो हमारा प्रॉफिट ऊपर की तरफ हो जाता। देन जब ये कैंडल इससे टच होती, क्योंकि ट्रेल तो हमारा ऊपर होके लाइन ऊपर आ गई, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, देन हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती। तो उसके लिए एग्जीक्यूट कह रहा हूँ, एग्जिट हो जाती, तो हमें एग्जिट का कोड डालना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए हमने 100 क्वांटिटी यहां पर बाय करा था, तो हमें 100 क्वांटिटी सेल का कोड डालना पड़ता है इस कमांड के अंदर, तो हमारी ट्रेड जो है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती, स्क्वेयर ऑफ हो जाती। रेगुलर ऑर्डर के अंदर ये करना होता। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अलर्ट्स लगा देता हूं। आपको क्या करना है, आपको वॉच के आइकन पे क्लिक करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, एंड यहां पर वैल्यू में जाना है, एसएल सेलेक्ट करना है। एंड जब आप बाय साइड का एसएल लगा रहे हो तो आपको सेकंड प्लॉट लेना है, एंड सेल साइड का लगा रहे हो तो फर्स्ट लेना। तो अभी हमने बाय साइड का लगा रखा है तो सेकंड लिया, वंस पर बार करा। एंड मैं अभी क्या करता हूँ कि मैंने कोई ट्रेड तो पकड़ ही नहीं रखी, मैं आपको जीरोधा अकाउंट दिखा देता हूँ, ये रहा जीरोधा अकाउंट, कोई अकाउंट ट्रेड पकड़ ही नहीं रखी तो ये एग्जिट तो करेगा ही नहीं ट्रेड। तो हमने अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए क्या करा, यहाँ पर हमने कोड डाल दिया कि ये जब टिगर हो तो हमारी एक पोजिशन लग जाए। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इधर कोड में गया एंड इस कोड को कॉपी करा। पुरानी वीडियो मेरी देख सकते हो, ये कोड कैसे वर्क करते हैं वगैरह वगैरह सारी चीजें बता चुका हूं मैं, तो वो चीजें मैं रिपीट नहीं कर रहा। तो मैंने क्या करा, यहां पर सिंबल के अंदर यस बैंक कर दिया, क्योंकि हम यस बैंक पे काम कर रहे हैं, एंड मार्केट रेट से 2 पॉइंट नीचे मेरी बिट लग जाए, 1 पॉइंट नीचे बिट लग जाए, ऐसा कर दिया। वैसे ये कोड इसमें जो ऑफिशियल तरीके से डलता वो कोड डलता कि हमारी जैसे बाय पोजीशन कर रखी है 100, तो 100 सेल पोजीशन करनी होती तो स्केयर ऑफ हो जाता, एग्जिट पोजीशन हो जाता इट्स मीन, पर हम वो नहीं कर रहे क्योंकि हमने पोजीशन ले ही नहीं रखी। तो हमने क्या करा, हमने कर दिया कि जैसे ये टिगर हो तो हमारा एक ऑर्डर लग जाए, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि हाँ हमारे जो बॉट ने काम करा। तो यहां आप देख सकते हो कोई भी ऑर्डर नहीं है, एंड हमारा एसएल जो है वो 40 रुपए 60 पैसे पे है, वो इसलिए कि मार्केट टिगर भी नहीं कर रही, नीचे भी नहीं आ रही, ऊपर भी नहीं जा रही। तो मैंने जैसे आपको बताया ये वर्क जब करेगा जब एक रैली मिलती है। अभी तो ये साइड वे में आ गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, मतलब मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एंड थोड़ा सा भी ऊपर हो तो ट्रेल होके ये एसएल ऊपर होने लगे, पर ये हो ही नहीं रहा क्योंकि जो ओपन प्राइस आ रहा है वो लास्ट जो हाई प्राइस ओपन प्राइस आया था वो क्या आया था आपका 95, 40 रुपए 95 पैसे आया था। उसके बाद उसका कोई हाई प्राइस नहीं आया जिसकी वजह से फिक्स है, क्योंकि 30 पैसे नीचे 30 पैसे का ट्रेल कर रहा है, ओपन प्राइस से 30 पैसे का ट्रेल कर रहा है, वो भी अप साइड जाने पे। अब ये देखिए कैंडल आई, ये भी नीचे खुली है बट ऊपर की साइड नहीं खुली, पर हमारा एसएल फिक्स है, वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये बढ़ जाता प्राइस, क्योंकि मेरे हाथ में तो था नहीं अभी बढ़ाना प्राइस, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था और मार्केट बंद होने वाली है, मेरे को कोई स्टॉक भी नहीं मिला जिसके अंदर एक मूवमेंट आए। मैंने वीडियो बनाना यहां से शुरू करा था, मैंने इस स्टॉक को इसलिए चुना था कि आपको ये पूरा एक रैली का प्रॉफिट दिखाऊंगा, बट वो वीडियो के अंदर काफी मिस्टेक हो गई तो वो रैली नहीं दिखा पाया। रिकॉर्ड तो कर ली थी मैंने ये रैली, जो ये रैली गई है, बट अब ये साइड पे आ गया तो ये आपको दिखाना पड़ रहा है। उसके अंदर जो बातें बताई है थोड़ी सी गलत बता दी मैंने, तो जिसकी वजह से मेरे को वीडियो डिलीट करनी पड़ी। तो कोई नहीं, अभी देख लेते हैं। तो जैसे हमारा एसएल का प्राइस आपको ऑरेंज साइड में दिख रहा है, अच्छा आप जब इंडिकेटर लगाओगे हो सकता है आपके में ये एसएल का प्राइस ना दिखे ऑरेंज और पर्पल में, तो आपको क्या करना है, सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है। मैं दिखा देता हूं, ये रहा सेटिंग का आइकन, एंड यहां पर जाने के बाद आई थिंक आपको स्केल में जाके, हाँ आपको स्केल में जाके यहां पर लिखा ना इंडिकेटर लास्ट वैल्यू, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ये मैं हाइड कर देता हूं तो देखो मेरा हाइड हो गया, आप देखोगे यहाँ प्राइस हाइड हो गया, देन मैं आप इस पे क्लिक कर रहा हूं तो प्राइस आ गया, तो आपको वैल्यू दिखती रहेगी, ये आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। तो अभी भी हमारा स्टॉप लॉस है वो वर्किंग है, मतलब जो स्टॉप लॉस है अभी तक हिट नहीं हुआ। अच्छा, इस इंडिकेटर की एक खासियत है, जब ये हिट हो जाता है तो ये लाइन थोड़ी देर के लिए गैप हो जाती है क्योंकि टिगर हो रखा होता है। अगर आपने शॉर्ट साइड से लगाया जब भी टिगर होगी तो वो गैप हो जाएगी, लॉन्ग साइड से लगाया जब भी टिगर होगी तो गैप हो जाएगी। आप चाहो तो दोनों साइडें लगा सकते हो, वो आप पे है।
तो अभी के लिए जैसे जब ट्रिगर होगा ये थोड़ी देर के लिए गैप हो जाएगी कुछ सेकंड के लिए, देन कैंडल नई ओपन न्यू ओपन होगी कैंडल, देन ये विजिबल होने लगेगी। तो अभी भी हमारा एसएल जो है 40 रुपये 60 पैसे पे है, और इसका कारण ओनली फॉर यही है कि प्राइस बढ़ नहीं रहा है, एक साइड वे में चल रहा है। एंड ये वीडियो वैसे 15 मिनट की रिकॉर्ड कर दी, एसएल तो हिट हुआ नहीं। हाँ अब देखिए ये कैंडल बढ़ के खुली है, अगर हम इसका ओपन प्राइस देखें, जैसे कैंडल पे कजर ले जाता हूँ, ओपन हाई लो कहाँ दिखता है, यहाँ दिखता है, ठीक है जी। तो मैं जैसे कैंडल पे कजर ले गया, ऊपर देखिए 41 रुपये दिख रहा है, 41 में से हमने 30 पैसे घटाए तो कितना बचा, 40 रुपये 70 पैसे। तो 40 रुपये 70 पैसे पे ट्रेल हो गया हमारा स्टॉप लॉस। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, 30 पैसे का गैप लेके चला है। ये 30 पैसे हमने कहां से डाला था, वो हमने इस सेटिंग के आइकन पे गए एंड यहां पर लॉन्ग साइड में 3 डाला, तो मतलब 0.3 या 30 डालोगे वही 30 पैसे हो जाएगा। अगर हम 0.1 डालते तो 1 रुपए का गैप हो, नहीं खाली 1 डालते तो 1 रुपए का गैप हो जाता, वो बहुत बड़ा था इस स्टॉक के अकॉर्डिंग। तो मैंने 0.3 डाला है, इसमें 30 पैसे का गैप लेके चल रहा है एंड अब हमें आई थिंक देखने को मिलेगा। अच्छा जो हमारा 70 पैसे था, आपको ये दिख रहा है 65 पैसे समथिंग हो गया है, ये थोड़ा सा इसके अंदर बग्स कह लो या कुछ भी कह लो, ये थोड़ी सी मतलब नॉइज है जो कि इन फ्यूचर ठीक हो जाएगी, आपका ये ज्यादा बैक नहीं जाएगा। अब देखिए नई कैंडल ओपन हुई एंड ये नई कैंडल ओपन हुई कितने पे, हम ऊपर देख सकते हो वहां पर आपको ओपन पे प्राइस दिखेगा 41 रुपये 20 पैसे एंड ये हमारा स्टॉप लॉस कहां लगा, 40 रुपये 90 पैसे। हमारा स्टॉप लॉस भी बढ़ते जा रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सॉरी, तो ये इट्स बिन प्रॉफिट बुक कर रहा है। अब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, अगर हमने ट्रेड वो वहां पकड़ी होती देन हमारा प्रॉफिट बुक होता रहता। मतलब आपने कोई ट्रेड ले ली एंड वो आपकी रैली सही जा रही है तो आपका प्रॉफिट धीरे धीरे बुक हो रहा है, देन जब मार्केट नीचे आएगी ट्रिगर होगी तो आपको मार्केट रेट में सेल हो जाएगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा, मतलब बुक होने के चांस बन जाए। यही छोटी छोटी चीजें जो आपके पोर्टफोलियो को इंक्रीज करती है एंड ये चीजें आपको कहां मिलती है, ये चीजें आपको मैनुअल तो कभी मिल ही नहीं सकती, आपको ऑटोमेशन में मिलेगी। एंड ऑटोमेशन में सपोज मानो मैं ये ट्रेल स्टॉप लॉस 5 स्टॉक पे चला रहा हूं, आप मैनुअल काम कर रहे हो एक ही स्टॉक पे फोकस कर सकते हो, मैंने 5 स्टॉक में ट्रेड ली देन उसमें मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला दिया और मैं आराम से बैठा हूं, जिसमें ट्रिगर होगा आराम से प्रॉफिट बुक हो जाएगा या लॉस होगा तो ज्यादा नहीं होगा क्योंकि हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रखा है। अब देखिए ये हमारा स्टॉप लॉस 41 रुपए 25 पैसे पे आ गया, ट्रेल होते जा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है एंड हम इस कैंडल का ओपन प्राइस देखेंगे। मैं आप देख कोने पे जाके यहां देख सकते हैं, बार बार मैं कजर ले जाके दिखाता हूं, यहां पर ओ से ओपन है तो ओपन प्राइस इसका कितना है 41 रुपए 55 पैसे, इसमें से -30 करेंगे तो क्या अपना होगा, -30 पैसे करेंगे तो 41 रुपए 40 25 पैसे, तो वो प्राइस आपको शो हो रहा है। इट मीन की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा वर्किंग कर रहा है, पर अगर अभी मैं आपको बता दूं हमने कोई ट्रेड नहीं ले रखी थी तो हमारी एग्जिट पोजिशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि हमने कोई ट्रेड लाइन नहीं रखी थी एंड हमने इसलिए हमने क्या करा है, इस अलर्ट्स के अंदर जो ये टिगर होगी इसके अंदर एक ऑर्डर डाल रखा है कि जैसे ही टिगर हो एक ऑर्डर लग जाए, हमने चीज चेंज कर दी है। पर रियलिटी में जब आप काम करोगे एग्जिट पोजीशन डालोगे, मतलब आपने बाय कर रखा तो सेल डालोगे सेम क्वांटिटी में तो आपके स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा। तो देखिए अब बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिर से ट्रेल होने लग गया और ये एक रैली तो मैं पहले ही मिस कर चुका हूं, वीडियो डिलीट मार दी मैंने और ये रैली में बहुत अच्छा बन गया। तो आप देखिए अब हमारा स्टॉप लॉस आप ऊपर देख सकते हो 41 रुपए 80 पैसे पहुंच गया और ये देखिए ट्रेल हो गया, मतलब हिट हो गया। जैसे हिट हुआ यहाँ एक कमांड आई और आप देखोगे यहां पर जाके एक ऑर्डर भी लग गया। पर अगर रियलिटी में ये काम कर रहा होता, हमने पोजीशन ले रखी होती तो यहाँ क्या होता, यहां पर जो हमने ट्रेड ली थी वो एग्जीक्यूट हो जाती और अच्छा जो ऑर्डर लगा उसका प्राइस देखेंगे तो ये 40 रुपए 65, नहीं ये तो हमने मार्केट रेट से 1 रुपए नीचे डाला था ना तो वो लगा हुआ है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो ऑर्डर लगा वो कितनी फास्ट लगा, मतलब हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता। पर मैंने इसके अंदर क्या है कि ऑर्डर लगाने के कोड डाल दिया था, आपको क्या डालना है, आपने बाय कर रखा है तो आपको सेल का कोड डालना है। आई थिंक मैं इस वीडियो में कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि सारी बातें मैंने हर जगह मेन मेन बोली है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया लॉन्ग साइड से, अगर यही चीज आप शॉर्ट साइड से करोगे तो कैसे करोगे, हाथों हाथ एक डेमो देख लेते हैं। इंडिकेटर पे गए, अभी हमने कोई पोजीशन नहीं ले रखी एंड पहले मैं इसको बंद कर देता हूं ये जो हमने चला रखे थी शॉर्ट साइड, अब हम इंडिकेटर पे गए। अच्छा देखो मैंने आपको बताया था ना जैसे ट्रिगर होगा लाइन गैप हो जाएगी, लाइन गैप हो रखी है ठीक है जी। अब हम इंडिकेटर पे गए एंड स्टाइल पे गए एंड लॉन्ग साइड को हाइड कर दिया, शॉर्ट साइड को ओपन कर दिया क्योंकि हम शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हैं एंड इनपुट पे गए, इनपुट में हमने शॉर्ट साइड से 30 पैसे का वो ले लिया, 30 पैसे के लिए 0.3 ठीक है जी एंड डाल दिया। तो आप देखो वो ऊपर एक लाइन आ गई और वो लाइन आ रही है 41 रुपए 90 पैसे पे, आप देख सकते हो।
एंड इसके अंदर भी मेरे को वही क्या, अगर मार्केट नीचे जाएगी धीरे धीरे ट्रेल होता रहेगा, एंड शॉर्ट साइड कर रखा हमने, शॉर्ट कर रखा है इसलिए ट्रेल होता रहेगा, एंड जैसे ही मार्केट ऊपर रिवर्स मारेगी तो ये प्रॉफिट बुक कर लेगा। बस हमें क्या करना है, जब हम शॉर्ट करेंगे तो इसके अंदर जो कोड लगाना है वो कौन सा लगाना है, बाय कोड लगाना है। अगर हमने 100 क्वांटिटी यहां से सेल कर रखा है एंड देन हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलाते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कोड कौन सा डालेंगे, बाय डालेंगे क्वांटिटी 100 क्वांटिटी। इसके लिए आप मेरी पहली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने आपको कमांड लगाना बता रखा है। तो मैं इसे रिमूव करता हूं ड्राइंग को, एंड ये हो सकता है कि ट्रेल ना हो क्योंकि हमने पहले एक साइड देख ली है, बस मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं। अच्छा, इसके अंदर भी मैं एक एग्जांपल करता हूं, मैं भी इसमें कमांड डाल देता हूं, पहले कमांड लगा देता हूं ट्रिगर होने की। तो हमें क्या करना है, वैल्यू में जाना है, एसएल लेना है। पहले हमने फर्स्ट प्लॉट सेकंड प्लॉट लिया था, अब हम फर्स्ट प्लॉट लेना है, वंस पर बार रखना है। अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास पोजीशन तो है नहीं, हमने वही कोड डाल दिया कि जैसे ही ट्रिगर हो हमारी मार्केट रेट से एक पोजीशन लग जाए 2 रुपए नीचे। बाय की पोजीशन कर रहा हूं यार, बीच ऊपर यस बैंक कर देता हूं। तो ये कोडिंग समझनी हो तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप देख लेना। तो हमने अभी ये डाल दिया, पर जो रियल वे वो क्या है, इसके अंदर बाय का कोड डलेगा। हमने सेल कर रखा है तो बाय का कोड डलेगा जब भी हमारी एग्जिट होगी पोजीशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 41.90 रुपए पे हमारा स्टॉप लॉस बना हुआ है, शॉर्ट साइड का ट्रेल हो रखा है। तो अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ और मार्केट थोड़ा सा रिवर्स मार रही है, तो आई थिंक ये ट्रिगर होने वाला है क्योंकि ये रैली नहीं चलेगी। ये हो गया ट्रिगर आई थिंक, हाँ ये हो, नहीं एक मिनट, ये टिगर, हाँ वही मतलब टिगर अब हो गया बिल्कुल 90 पैसे पे आ गया। ये देख सकते हो रियल प्राइस 90 पैसे 5 पैसे बढ़ गया, तो ये टिगर हो गया। और देखोगे तो आप यहाँ ऑर्डर भी लग गया दूसरा, एक पहले भी हमने एक ऑर्डर लगाया था, डिलीट करना भूल गए थे, दूसरा ऑर्डर लग गया जस्ट। और इट्स मीन मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे काम करता है। अब यही छोटी छोटी चीज है जो आपको पैसा बना के देती है। सेकंड बात, आपको ये चीज कहीं नहीं मिलेगी, ये इंडिकेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। 1.5 साल के अंदर मैंने ये इंडिकेटर बनाया जो ऑटो ट्रेल हो और रिवर्स ना हो। रिवर्स मतलब कि प्राइस अगर ट्रेल होकर ऊपर चले गया है तो प्राइस डाउन आए तो जो ट्रेलिंग है वो डाउन ना हो, तो ये इंडिकेटर प्रॉपर वर्क करेगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आप बॉट लेते हैं एंड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टीम व्यूवर या एनी डेस्क पे आके मुझसे कॉन्सेप्ट समझ लेना, कोई भी दिक्कत आती है मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। बॉट की ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट का नाम देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल बॉट, आप यहां पर जा सकते हैं। बॉट के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आपको ट्रेडिंग व्यू अकाउंट चाहिए होता है, जिरोधा से API चाहिए होती है, और ये बॉट चाहिए होता है। जो बॉट का प्राइस है वो 500 रुपए समथिंग है। एंड आपको अगर हमारी लर्निंग वीडियो देखनी हो तो फूटर पे जाओगे, यहाँ लिखा YouTube चैनल, इस पर जैसे क्लिक करोगे आप हमारे YouTube चैनल पे पहुंच जाओगे, वहां पर हमने लर्निंग वीडियो दे रखी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।